हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो आज की वीडियो होगी दो माध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता के परीक्षण। तो कैसे होता है दो माध्यमानों के बीच सार्थकता का परीक्षण? तो हम लोग अपना पढ़ रहे हैं बीपीसी से 108, जिसमें हम लोग अभी तीसरे यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट टू। तो माध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता की आवश्यकता और महत्व। मनोविज्ञान में कई बार हम विभिन्न जनसंख्या के बीच अंतर की सार्थकता को समझना चाहते हैं, समझे? जनसंख्या के बीच अंतर की सार्थकता को समझना चाहते हैं। उदाहरण तक हमारी रुचि मतलब इंटरेस्ट लड़की नहीं, 10 वर्षीय लड़कों और इसी आयु की लड़कियों के बीच भाषागत योजनाओं में अंतर जानने में हो सकती है। भाषागत अंतर कैसा है उनका, या फिर यह जानने में हो सकती है कि उच्च सामाजिक आर्थिक के बच्चे और शैक्षणिक निष्पादन निम्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्था वाले बच्चों के श्रेष्ठतर होता है, या यह जानने का प्रयास किया जा सकता है कि अमीर बच्चे एक ही क्लास में कितना पढ़ रहे हैं और गरीब बच्चे उसी क्लास में कितना पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग गणना। इस प्रकार दो विभिन्न पृष्ठभूमियों को समूह के सदस्यों में स्फूर्ति स्तर का अंतर होता है, इसका हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान में उठने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर के लिए उपयुक्त एक ही मानक का प्रयोग होता है, जिसे माध्य कहते हैं। क्या है उनका माध्य? उन 10 बच्चों का माध्य क्या है, 10 लड़कों का माध्य क्या है, इनमें समान भाषा है, और उन 10 लड़कियों का माध्य क्या है, जिनमें उनकी भाषा का स्तर क्या है, उससे पता चलता है कि किस माध्य की भाषा लुक में चल रही है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया, आइए लड़कों लड़कियों की भाषागत योग्यता वाले प्रश्न पर चर्चा करें। पहले हम लड़कों और लड़कियों का एक बड़ा प्रतिदर्श चुन लेते हैं। बड़े प्रतिदर्श से तात्पर्य 30 से अधिक इकाइयों से है। फिर भी हम दो समूह में भाषागत योग्यता की जांच के लिए उन पर मौखिक प्रश्नों का एक समुच्चय का प्रयोग करते हैं और दोनों समूहों के मध्यों की गणना करते हैं। मान लें कि लड़कों और लड़कियों के माध्य अंक मान M1 और M2 है। अब इन दोनों के माध्यों को अंतर समझने के लिए हमें इन दोनों को आपस में घटा देना होगा। बड़ा मान लड़कियों के पक्ष में मिलता है, तो फिर हम विश्वासपूर्ण कह सकते हैं कि 10 वर्षीय लड़के की भाषागत योग्यता 10 वर्षीय लड़कों से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। इस तरीके से इसमें होता है प्रत्येक माध्यम प्रचलित प्रतिचयन के अंतरों और त्रुटियों के अवश्य प्रभावित होता है, और माध्यों को यह अंतर तथा प्रतिचयन त्रुटि का परिणाम हो सकता है कि अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो वो गलतियां हो सकता है कि हमारे प्रतिदर्श चुनने का टाइम हो गई हो, या हो सकता है हमारे कैलकुलेशन का टाइम हो सकती हो, जो उनके प्रतिचयन त्रुटि का परिणाम बनता है। दो जनसंख्याओं माध्य समान होते हुए भी उनके लिए प्रतिदर्श और माध्य समान प्रतिचयन त्रुटियों का कारण अलग अलग हो सकते हैं, कारण दोनों में अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। माध्यमानों के बीच अंतर निर्धारण हेतु मूलभूत संकल्पनाएं कि शून्य और नल परिकल्पना होती है कि यह माध्यमानों के अंतर के परीक्षण के लिए उपयोगी उपस्कर है। शून्य या नल परिकल्पना का आग्रह है दोनों जनसंख्याओं के माध्यमानों के बीच अंतर शून्य है और प्रतिदर्श माध्यों के बीच दिख रहा अंतर संयोग के कारण और इसलिए वह महत्वहीन है। किसी अध्ययन के प्रयोग में शून्य नल परिकल्पना इसलिए बनाई जाती है कि उसे अस्वीकारी कर पाने का परीक्षण हो सके। उदाहरण के लिए 8 वर्षीय बालिकाओं और 8 एवं बालकों को भाषागत योग्यता में अंतर और सार्थकता जानने के लिए हम पहले उनके प्रतिदर्श निष्कासित करते हैं, फिर उन पर अनेकों मौखिक प्रश्नों की बौछार की जाती है और उन दोनों के समूहों की प्राप्त अंकों के मध्य मान आंकलित किए जाते हैं। ऐसे अध्ययन के लिए शून्य नल परिकल्पना इस प्रकार हो सकती है। बालिका बालिकाओं को भाषागत योग्यता के बीच कोई सार्थकता अंतर नहीं है। यदि यह शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाती है तो इसका अर्थ है कि एक समूह दूसरे से बेहतर है, जो कि माइनल परिकल्पना में जा सकता है। मानक त्रुटि, ये हम पढ़ा चुके हैं मानक त्रुटि क्या होती है सांख्यिकी, तब भी दोबारा एक बार दिखा देता है, समझा देता है। सांख्यिकी निष्कर्ष को प्राथमिक उपदेश एक प्रतिदर्श से प्राप्त अभिरक्षण
को उसकी जनसंख्या को व्यापक बनाता है, मतलब हर चीज प्रतिदर्श, हर एक प्रतिदर्श इंपॉर्टेंट है उसका निष्कर्ष, सांख्यिकी के निष्कर्ष के लिए। मानक त्रुटि को एक तथा प्रतिदर्श की त्रुटि तथा दूसरे दो मापन की त्रुटि की गणना करती है। मापन त्रुटि मा सॉरी मापन मापन हाँ हो भैया, मानक त्रुटि को सभी मानक विचलन के रूप में SD के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसकी एक ही जनसंख्या या यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रतिदर्श की संख्या से गणना की गई है। आइए एक उदाहरण की मदद से मानक त्रुटि को समझने की कोशिश कर कीजिए। मान लीजिए कि एक शोधकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक और कर्मचारियों को संगठनात्मक व्यवहार का एक शोध करना चाहता है। चूंकि वह संपूर्ण जनसंख्या लेने के लिए संभव नहीं है, इसलिए वह शोधकर्ता यादृच्छिक रूप से संपूर्ण जनसंख्या का लगभग एक प्रतिदर्श रूप लेता है। एक अन्य शोधकर्ता भी इसी तरह अन्य अध्ययन पर काम कर रहा है और वो जनसंख्या से एक निकालता है। इस प्रकार यदि कई और शोधकर्ता इसी तरह अध्ययन कर रहे हैं तो वो संपूर्ण जनसंख्या में से एक एक प्रतिदर्श लेंगे। हालांकि तब होती है जब प्रत्येक शोधकर्ता द्वारा तैयार किया गया प्रतिदर्श एक दूसरे से अलग होता है। यद्यपि प्रत्येक प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो कि प्रकृति में विषम है और एक दूसरे से भिन्न होता है, तो जो शोधकर्ता के सबके आंकड़े आंकड़े अलग अलग आएंगे, क्योंकि वो सबके प्रतिदर्श की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, तो वह सब प्रतिदर्श का जो निष्कर्ष होता है वो समान आना संभव ही नहीं हो सकता है। इसी को मानक त्रुटि के रूप में कहा जा सकता है, जो प्रतिदर्श के लिए गणना किए गए औसत से कम या अधिक हो सकता है। सबका जो औसत निकलेगा उससे भी सबका अधिक और कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब किसी का एक औसत के पास हो भी सकता है बाय डिफॉल्ट। स्वतंत्रता कोटि, तो जब किसी प्राचल को अनुमान लगाने के लिए किसी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तो उपलब्ध स्वतंत्रता कोटि अवलोकन पर लगाए गए संशोधों पर निर्भर होती है। प्रत्येक संरोध DF मतलब मानव कोटि का एक इकाई की कमी कर देता है। मान ले हमारे पास 5 अवलोकित मान 5, 6, 7, 8, 9 है, इसका माध्य 7 है, और इन मानों के माध्य से विचलन -2, -1, 0, 1, 2 है। इस विचलन को योग शून्य है। परिणामतः किन्हीं भी 4 विचलनों के मान ज्ञात हो तो अंतिम विचलन का मान ज्ञात स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 5 विचलनों में से केवल 4 चाहे जैसे परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु विचलनों का योगफल शून्य के समान होने की शर्त 5वें विचलन के आकार पर संरोध बन सकती है। प्रारंभ में प्रतिदर्श का आकार 5 होने के कारण हमारे पास माध्य का मान अंकलित करने के लिए 5 स्वतंत्रता कोटि उपलब्ध थी, क्योंकि सभी अवलोकन परस्पर स्वतंत्र थे, किंतु मानक विचलन का प्रयोग करने के लिए हमने प्रतिदर्श को माध्य मान का प्रयोग किया। इसके स्वतंत्रता कोटि संख्या एक इकाई की कमी हो गई। स्वतंत्रता कोटि का मान जनसंख्या का स्वरूप और संरोध पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि 2 स्वतंत्र चरों के माध्य मानों को लेकर विचलन की गणना करना है तो संरोध संख्या 2 हो जाएगी, परिणाम स्वरूप DF(n-+n-2)। मतलब कि अगर हमें किसी चीज का अवलोकन किया जा रहा है स्वतंत्रता कोटि का, तो प्राचल का अनुमान लगाने के लिए किसी भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तो उपलब्ध स्वतंत्रता कोटि DF अवलोकन लगाए गए संरोध पर निर्भर होती है। तो जितनी भी इकाइयाँ होगी, 5 इकाई होगी, तो उसमें से एक कम कर दिया जाता है उसको पता लगाने के लिए, और उन सबको जोड़ के और घटा के, या जोड़ के हाँ जोड़ के विचलनों का योग अगर शून्य आ रहा है तुम्हारे, जैसे कि यहाँ लिखा है इन, तो चार अगर उनमें से एक को हटा करके बाकी सबको जोड़ दिया जाए और उसके बाद शून्य आ रहा है, तो 5वें का मान अपने आप पता चल सकता है कि 5वें का मान क्या है, और 5वां ही आपका माध्य होता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसी किसी जगह माध्य की गणना करने के लिए। हाँ। हो सार्थकता का स्तर, माध्य मानों के बीच अंतर का सांख्यिकी दृष्टि से सार्थक माना जाएगा।
दृष्टि सार्थक माना जाएगा या नहीं, यह तो इस संभाव्यता पर निर्भर करेगा कि उतना अंतर केवल संयोग मात्र से हो सकता है कि शोधकर्ता निर्णय करना होता है कि वो अपनी परिकल्पना को किस सार्थकता का स्तर पर सत्यापित करना चाहते हैं। सामाजिक विज्ञान प्राय 0.05 तथा 0.01 सार्थकता का स्तर होता है, मतलब कि क्या आपका प्रयोग 99% प्योर हो सकता है या 99.99%, 100% कोई भी आपका रिसर्च या प्रैक्टिकल कभी प्योर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पर्यावरण और मानक त्रुटियां हो जाती है जिस कारण से वो रहते हैं, तो हम लोग इतने दिखाते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी शून्य नल परिकल्पना को निर्धारित के लिए 0.5 अर्थात 5%, अगर हमारी शून्य परिकल्पना खरा मतलब नहीं संभव हुई है शून्य परिकल्पना, तो वह जो ऑटोमेटिक 0.5 लेवल पर चला जाता है। उनमें से अभिप्राय हमारा प्रतिशत सार्थकता स्तर का चयन करते समय हमारा अभिप्राय होता है कि 100 में से 95 संभवता है कि यह सत्य है, और केवल 5 संभवता है कि आंतरिक अंतर सटीक अंतर है, सटीक अंतर नहीं है, ऐसे तो होना चाहिए, अंतर सटीक अंतर है। और अगर आपका हो परिकल्पना सही हो जाती है शून्य परिकल्पना, तो वो ऑटोमेटिक 99% पे चला जाता है। एक पूछिए द्विपूछिए एक सार्थकता परीक्षण, एक पूछिए सार्थकता परीक्षण यह प्रतिदिन प्रदर्शित करता है कि चलो पढ़ाई देता है, एक ही बार अंकलित प्रतिदर्श माध्य और जनसंख्या माध्य के अंतर जानना चाहते हैं। अंकलित प्रतिदर्श माध्य और जनसंख्या माध्य का अंतर जानना चाहते हैं, या हमारे शून्य नल परिकल्पना यह हो सकती है, तो दो प्रतिमानों को प्राप्त माध्य M1 M2 में अंतर नहीं है, तो HO हम लोग को डिसाइड करता है। एक पूछिए से और नहीं नहीं से अच्छा सॉरी ठीक है, HO हम लोग डिफाइन करते हैं एक शून्य परिकल्पना से, और H1 डिनाइड करते हैं हम लोग वैकल्पिक परिकल्पना से। यह हम यह नहीं जानना चाहते कि अंतर धनात्मक है या ऋणात्मक, हमें अंतर की दिशा में कोई रुचि नहीं है, तो हम केवल जानना चाहते हैं कि क्या कोई अंतर है। उदाहरण के लिए हमारी परिकल्पना हो सकती है कि दो समूह का अंतर होगा, पर यह भी जानते हैं कि माध्य अंक मान उच्चतर होगा या किसका निम्नतर होगा, अंतर तो होगा लेकिन किसका उच्च होगा किसका अंतर, हम लोग का ये नहीं जानना है, ये जानना है का इंटरेस्ट है। यह एक मार्ग निरपेक्ष विश्लेषण है, और द्विपक्षीय परिक्रमा परीक्षण की आवश्यकता होती है, अंतर दोनों में से किसी भी दिशा में संभव हो सकते हैं, इसलिए दिशा निरपेक्ष कहा जाता है। तो दोनों तरफ हम लोग ऐसे ऐसे करके बनाते हैं दिशा निरपेक्ष दिखाने के लिए, किसी भी दिशा में हो सकते हैं, ऑब्वियसली डॉट 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 से दिखा देते हैं कि इस साइड ऊपर है। अनेक प्रयोगों में हमारी रुचि अंतर की उपस्थिति मात्र नहीं उनकी दिशा से अधिक होती है, उदाहरण के लिए हमारे साप्ताहिक गृह कार्य के शब्द सामर्थ्य में वृद्धि की गणना में रुचि हो सकती है, यहाँ हम शब्द सार्थक सामर्थ्य में वृद्धि जानना चाहते हैं, या हम फिर यह जानना जानने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या योग प्रशिक्षण से व्यक्तियों के तनाव का स्तर कम होता है, होता है यार हमसे पूछ लो। यहाँ हमारा आश्रय स्पष्ट है कि हम तनाव की कमी की जांच करना चाहते हैं, ऐसे मामलों में एक पूछिए और द्विपूछिए परीक्षण किया जा सकता है। तो परीक्षण में त्रुटियां भी होती हैं, किसी प्रकार की कुछ त्रुटियां प्रतिदर्श से होती है, कुछ त्रुटियां क्या बोलते हैं पर्यावरण द्वारा संभवतः होती है। दो समूहों के माध्य मानों के बीच अंतर की सार्थकता का परीक्षण की विधि है टी परीक्षण, जिसे कहा जाता है टी परीक्षण। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज होता है मेन, इसमें हमेशा से हम जैसे कि खेल BPCC 104 में भी जो था मीन मीडियम मोड का खेल रहेगा, और जो फॉर्मूला पे करने आपको बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ सम किया गया है, यहाँ पे अगेन सम किया गया है, यहाँ पे भी शायद सम किया गया है, सम तो नहीं लग रहा है, नहीं, अच्छा हम बता देते हैं, चलो ठीक है समझ गया। बालकों का प्राप्तांक x है, जो माध्य आया उससे विचलन हो रहा है इनका, किसी का -2 किसी का +5 किसी का +2। ठीक है, फिर इसको स्क्वायर में ले गया तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, बालकों का ऐसे ही किया गया है, और फिर यहाँ पे इस साइड इसका डाटा दिया गया है, तो बस इतना ही करना रहता है इसमें, ये 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 ये, तो
जो भी करना है फॉर्मूला पे बैठा देना है, फॉर्मूला तुम छाप के लेके जाते ही हो, हमें पता है। बड़े बड़े लोग 25-25 साल नहीं, 40 साल, 45 साल, 45 साल के होंगे अंकल जी, वो फॉर्मूला हाथ पे लिख के लाए थे। सोचो कितनी बड़ी बात है। हम लोग क्या नकल मारेंगे यार, नकल मारना उन लोग से सीखो, प्रो है वो सब। सब लोग मार रहे थे, ऐसी बात नहीं है, सभी हमें हमें छोड़ के हम नहीं मारते, क्योंकि हमें डर है कि हमारा एग्जाम ही ना उड़ जाए पूरा। दोस्त से संबंध माधव के बीच का अंतर और सार्थकता, एकल समूह विधि, इसमें भी एक मैथमेटिकल मेथड ही है, तो हर जगह भी मैथमेटिकल मेथड ही चलेगा कुछ चैप्टर। तो सारांश भी आ चुका है, मतलब उधर जो थ्योरी थ्योरी थी वो तो पढ़ लिया आप लोग, और अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करते रहना, अपने से सीखते रहना। यूनिट 4 भी हम लोग पढ़ेंगे जल्दी, तो अगर किसी तरह की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अपना दिमाग कम लगाओ और जाके चैनल सब्सक्राइब पहले करना अगले वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक और जरूर करना, जिससे कि ये मोटिवेशन मुझे मिलता रहे कि मैं आगे आपको पढ़ाता रहूँ, और आगे आप लोग के लिए कोई भी अननोन टॉपिक पे भी मैं वीडियोस लाता रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल को नहीं ठोक रहे, तुम्हारे दिमाग पर ठोक रहे पेंसिल, तो लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई डाउट और प्रॉब्लम हो और कुछ पर्सनल डिटेल्स भेज के अपनी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहो, सब कुछ मिल जाता है उसके द्वारा।